क्या है तो कि आज FIR होगी उस बंदा या बंदी अगेंस्ट जो कि हमें ऑनलाइन हरास कर रहा है। बहुत गुस्से में भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि मैं जिस चीज को काफी 6-7-8 महीने से टाल रही थी मैं और मयंक इग्नोर कर रहे थे उस बंदा। हाय मायशु क्या है? मायशु को आ गया, गिफ्ट मंगाया था, दिखाओ मायशु, दिखाओ क्या है, दिखाओ। ये पहले टीवी बंद करो, उसमें कार्टून बंद करो। देखो क्या लाई है। क्या है? बाबीज। अब मायशु टकलू इधर आओ, जल्दी आओ, डॉल इधर इधर लेकर पापा के पास लेकर, पापा के पास लेकर डॉल आ गई। रुक जाओ जी, क्या आइंस्टाइन बॉक्स? बिल्ली बंदर का दिखाओ, उसको बंदर का दिखाओ, बंदर का दिखाओ। बंदर नहीं है, काऊ दिखा दो। चलो काऊ दिखा दो, काऊ दिखा दो, काऊ दिखा दो। ये काऊ नहीं है, ये सुअर है। चाय बोला काऊ अच्छा लग रहा था। चाय ये चल, ये चाय ये अच्छा लग रहा था बोला तुम पे। वैसे मुझे हाँ वही है। मायशु मायशु क्या है? मायशु काऊ काओ। हमारा बच्चा जब काओ या फिर बंदर देखता है तो सारे खिलौने उसके लिए वेस्ट है। उसे काओ चाहिए और उसे बंदर चाहिए। अब इसको ऐसे लगाते हैं, देखो इसमें ये किसका है, ये इस वाली खिड़की में कुत्ता है, इस वाली खिड़की में आंटी है, अब इस वाली खिड़की में कौन है? ओ मायशु और मामा। अब ये कुछ नहीं जानती। इसमें पापा, ये माऊ और भाऊ बहुत इंटेलिजेंट वाले हैं, ये पढ़ाकू वाले हैं। और अभी मायशु तो मस्ती के मूड में है, ये पढ़ने वाले सारे खिलौने। माऊ लोग, माऊ मतलब मियाऊ। अब काऊ की तरह कर दे, काऊ कर दे, काऊ पिग्गू दे दिया। नहीं पिग्गू नहीं, काऊ है वो यार। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं काऊ करूंगी। नहीं उसको काऊ, वो काऊ किसको नहीं देगी, वो सब कुछ देगी, वो काऊ नहीं देगी किसी को। मायशु मम्मी को दे दो। नहीं पिग्गू ये दे दो, मम्मी को दे दो, मम्मी को दे दो, मम्मी को दे दो, पिग्गू दे दो, मम्मी को दे दो। हाँ मम्मी को दे दो। हाँ कैट दे दो। इसकी बुआ की मैंने अब फेंकी है। मर्डर छुपा दी थी कुछ से मग्स के अंदर। अरे तुमने दिखा दिया, कर दिया, कर दिया। हमारे बच्चे भाई इतने ऑब्जर्विंग होते हैं ना कि अब ये शूज निकाले बिना मानेगी नहीं। तो शूज पहना दिया मायशु, डॉल कैसे चलेगी? अरे ये तो बूढ़ी हो। ओ ये तो कुरेला है, कुरेला। हाफ व्हाइट हाफ ब्राउन कुरेला। ओ माउंटेन कुरेला, 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 कुरेला। अरे करेला, 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 क्या नाम है? माऊ, मेरा गंजा माऊ, मेरा गंजा, गंजी गाय कहाँ है? दिखाओ गंजी गाय कहाँ है? गंजी गाय कहाँ है? माऊ, हाथी, गाय हाथी, अब दिखाओ माऊ, माऊ दिखाओ, ये लगाओ, गाय गाय दिखाओ, गाय, ऐसे नहीं मायशु, गाय। अरे भी लगा दो, चल जाएंगे। ओ मेरे तकले, मेरे तकले ने काऊ, बुरी काऊ सामने, बुरी सामने, मायशु सामने, बुरी काऊ, मायशु काऊ, मायशु निप्पल दे दो मम्मा को, मायशु निप्पल दे दो, दे देगी, दे देगी, दे देगी। एक्टिंग कर मत करो मायशु, निकाल लो खींच के, दो मम्मी को निप्पल दे दो और काऊ देख लो। चले हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमें 2-3 जगह जाना है। चले शायद लेट हो रहे हैं। पहले हमारा प्लान था मायशु ले जाना, किसको हमने तैयार कर लिया, पर अब हम इसको मायशु को सोच रहे हैं कि घर ही छोड़ जाएं, क्योंकि जहाँ हम इसको लेके जा रहे थे वहाँ हमारे जाने के चांसेस कम हो रहे हैं। क्या ले जाएं? देखो काओ लेके जा रहे हो, चल रो लेके, चल रो, चलो चलो मम्मी लेके जा रहे हैं मायशु को, चलो आ जाओ मायशु, चलो 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 आओ, नीचे दिखाएंगे, चलो शूज पहन लो, शूज मायशु शूज पहन लो। एक तो मेरा एंगल इतना ऊपर होता है कि मायशु सिर्फ टांट टांट दिखाई देती है।
लाल लाल कुछ काटा है? अरे किसने? मम्मी काटा है? कैसी बात करो, मच्छर दाने दिखाई नहीं दे रहे? मच्छर के नहीं है कुछ, उसके बेड पे जो कीड़ा होता है वो पतला वाला जो कीड़ा होता है उसके काटे हुए लाल लाल है सारे निशान। शूज देखो कितने अकलमंद है माशू पर, ये सेम नहीं है शूज, ये अलग अलग शूज है दोनों हाथ में। नहीं ये नहीं, ये अलग अलग है, ये शूज ले घूम रहे माशू, शूज पहन लो। तो फाइनली हम निकल चुके हैं, अब आप पूछोगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, अगर पूछोगे भी नहीं तो भी हम बताएंगे कि मैं शायद और माशू कहाँ जा रहे हैं। हमें पहले तो ऑब्वियसली बताया, हमें जसमीत के घर जाना था, कि अब तक हम जसमीत को अच्छे से मिल नहीं पाए हैं, पर उससे पहले हमें जोराज से, तो उससे पहले हमें एक छोटा सा काम था कि हमने एक कंप्लेन डाली थी साइबर क्राइम में, तो फाइनली उसकी आज FIR रजिस्टर्ड होगी। हमें कॉल आ गया था कि आप आ जाइए, आपकी कंप्लेन पे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हमें अभी दो मिनट बाद बताते हैं, पहले हम बिल्कुल ऑफिस के बाहर पहुंच ही गए हैं, तो बस ये बता देता हूँ कि आज FIR होगी उस बंदा या बंदे अगेंस्ट जो कि हमें ऑनलाइन हरास कर रहा है। पहले आप चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं क्या पूरा सिनेरियो, उसके बाद बताएंगे क्या एक्शन लिया जाएगा। चलो चलो क्या करना चाहोगे? फाइनली वी आर बैक, हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए, FIR कराने गए थे। हाँ, अब हमारी FIR रजिस्टर्ड हो गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी, लाइक लिटरली। वैसे बंदी है, हमारे पास पूरा सबूत है कि वो बंदी है, और FIR भी मतलब लॉज हो चुकी है, प्लस हमने दो साल से, दो साल बहुत होता है यार, दो साल हमारी शादी को भी नहीं, लगभग हुए हैं दो साल प्लस, हम दो साल से इस आईडी को हम बार बार हटा रहे थे, सेम नाम से आईडी बनती है हर बार उसको हम, और पैटर्न भी सेम होता है लिखने का, तो उसको हम इग्नोर कर रहे थे कि चल जा, पर जब उसने हमारी फैमिली और मायशा और सबके बारे में उल्टा बोलना स्टार्ट, टारगेट करना स्टार्ट किया, तो भाई अब एट लास्ट हमें जाके FIR साइबर क्राइम में करानी पड़ी, और थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारी साइबर क्राइम में हेल्प की है, अगर ब्लॉग देख रहे हो तो उन्होंने हमारी पूरी पूरी हेल्प की, हमारी सारे सबूत, सारी वीडियो, सारी फोटो, सारे स्क्रीनशॉट्स उन्होंने ले लिए, और जो रिसेंटली लास्ट जो कमेंट था लास्ट वीडियो पे था, एक रीसेंट में मेरे लास्ट ब्लॉग पे भी उन मैडम ने कमेंट किया है, और बहुत अच्छी तरीके से, तो बहुत गलत कमेंट, मतलब एक लेवल होता है कि आप किसी को हेट कर दो, एक लेवल होता है कि आपकी चीज हमें पसंद नहीं आई, पर गाली गलोच और वो भी लेवल बहुत बढ़ चुका था, तो इसलिए बस अब हम वेट करेंगे कि हम इस FIR का एक्शन जल्दी हो। माय शू बेटी, इतना पाला बच्चा है, देखो देखो देखो। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ कि फाइनली FIR हो गई, बार बार मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि साइबर क्राइम आपका, आपको अगर ये लगता है कि आप ये चीज हमारे लिए भी, और ये चीज आपके लिए भी, सबके लिए, मैं बता देता हूँ कि आपको भी अगर कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है तो साइबर क्राइम है, थ्रेट से चाहे कैसे भी, चाहे गाली भी दिए ना, एक सिंगल गाली या कुछ भी गाली दी है, सब कुछ दी है, तो वो है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने किसी को गाली बकी है, उसने आपको गाली बकी है, तो भाई कोई केस नहीं है, कि आप दोनों एक दूसरे को बक रहे हो म्यूचुअली, ठीक है। और एक वो होता है कि एक हेट मतलब वो होता है, थ्रेट होता है कि हम आपको घर में घुस के मारेंगे, मारने का, पीटने का, और बहुत सारे थ्रेट होता है, और उस लड़की ने तो हद ही पार कर दी, रेप तक की थ्रेट दी थी, तो इसलिए बहुत नेक्स्ट लेवल हो चुका था। अगर आपको भी दिक्कत होती है तो आप भी जस्ट साइबर क्राइम जाके जा सकते हो, साइबर क्राइम आप जा सकते हो, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। उन्होंने बोला दो तीन दिन में हो जाएगा, थोड़ा जल्दी करेंगे, बट आई एम वेटिंग फॉर द एक्शन, बस मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द पता चल जाए कौन मैडम है, कौन है, क्या है, और मैडम को तकलीफ क्या है, तकलीफ जाननी है उनकी, लाइक लिटरली तकलीफ, ऐसे मुझे उनको पता है कि मुझे उनसे तकलीफ है क्या, बट स्टिल मैं फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ, अगर मैं हो गया नहीं अदरवाइज अच्छा एक्शन लिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जो मैं बात पूरी नहीं कर पाया, कि अगर आपके हाथ में फोन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुल के किसी भी गाली बकोगे, नई नई आईडी बनाकर आप पकड़े नहीं जाओगे, और अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो लोग ये कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे हो तो आप हो तो आपको बोला भाई गाली खाने के लिए नहीं है किसी की, वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं, आप अपनी मर्जी से देख रहे हो, अच्छा बुरा लाइक डिसलाइक सब होता है, और गाली आप किसी को नहीं दे सकते भाई, ठीक है। लिए तो हर कोई एक्शन लेता है, अगर थ्रेट्स दे रहे हो किसी भी तरीके से और अब्यूज कर रहे हो या मेंटल हैरेस कर रहे हो, मेंटली किसी को हैरेस कर रहे हो, तो वो एक क्राइम है। सबसे बड़ा बड़ा पहला पॉइंट यूट्यूब का था, दूसरा इंस्टाग्राम का बड़ा बड़ा लिखा हुआ है साइबर क्राइम, हम गए सारी आईडीज पे कहीं पे भी ऑनलाइन, कि लोगों को लगता है कि जो बैठे हैं, जो एक अनएजुकेटेड है, जो एक काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर आप किसी भी फोन से आईडी बना के गाली बक के उस आईडी को बंद कर दोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, नहीं मैडम, ये सबसे बड़ी मैडम और भैया जो आपके सर हैं, जो आप हो, ये बहुत इजी होता है आपको पकड़ना, कि अगर आपकी कंप्लेन अगर लॉग हो जाती है ना, तो उसके बाद आपको क्या करता है कि जिस नेट से, जिस वाईफाई से, जिससे भी, जैसे भी, बहुत आसान होता है निकालना, समझ रहे हो, आईडी बंद करने से नहीं होता, आपने जितनी भी नई आईडी बनाई, पुरानी आईडी बनाई, आप बहुत जल्दी हमारे सामने होगे, और लिटरली बिलीव मी, जितना हैरास उसने मेरी फैमिली को किया है उस आईडी ने, और मेरी वाइफ को किया, मेरे बच्चे को किया, शायद
उसको तो मैं भाई अब बहुत अच्छे से अच्छे तबीयत से उसको मैं YouTube पर दिखाऊंगा बिठा के कि और पूछूंगा आप लोगों के सामने कि मैडम आपको तकलीफ जैसे जेठालाल बोलते हैं तकलीफ क्या। चलो मजा आने वाला है बहुत। ओ मम्मी क्या चल रहा है? ओ क्या बनाने सिखा रहे हैं 2 मिनट में मम्मी? अरे क्या मक्खन चाय? मम्मी हम वापस आ गए, ध्यान दो रेसिपी में, इतना खो गए हो। क्या बनाने सिखा रहे हो? क्या बनाने सिखा रहे हो? 2 मिनट की कौन सी बुद्धू रेसिपी आई है? नहीं बुद्धू नहीं है, वो है। मेरी कमाची खाती, तू भी खाता है। चिटकारे ले लेके लंच में, तो बचपन से चीले नहीं, चीला नहीं कहेंगे इसको, एक सूजी की डिश है ये। अच्छा समझ गया, डोसे के नाम पे जो बना के खिला देते हो हर बार। अरे होता टेस्टी मम्मी, नो डाउट। जो भी सिखा रही है मेरी माँ, जरूर जाके चेक करना। सच में हमने भूख बहुत खाया है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मम्मी की सालों की रेसिपी है। जो घर में कोई चीज खराब हो गई तो रेसिपी बन गई, पर वो टेस्टी बनी है ना मम्मी। कमाक्षी डरा दी गैस पर, डरा दी गैस पर ने मुझे, हटा कर था गैस पर। क्या कर रहा है गैस पर? तू डर क्यों रहा है मुझसे? आज सड़क पे मैं किसी और कुत्ते से मिल गया हूँ। और क्या हाल है बहन तेरे? एग्जाम तू चेक करेगी, इस बार मैं दोबारा तेरे साथ बैठ के चेक करूंगा। वो मेरी स्टोरी पे काफी लोगों ने रिएक्ट किया था, सच में बहुत अच्छी स्टोरी थी ना, जिसमें बच्चे का डेढ़ नंबर था मेरी तरह, मेरे भी उसके तो 20 में डेढ़ आधा आया था, मेरा तो 100 में आधा आया है। एक बार जालिम समझ रहा होगा कैसी टीचर है। ऐसा नहीं है भाई, जालिम नहीं है भाई, आप कुछ ना कुछ लिखो, हर टीचर आपको फेल नहीं करना चाहते अगर आप एटलीस्ट ट्राई करते हो। अगर आप ट्राई करते तो आपको कैसे ना कैसे कि आपने, हमारे टीचर ने ऐसे भी हमें पास किया कि हम पूरा गलत आंसर लिखा, पर उन्होंने लिखा है कि आधा तो चलो सही लिखा तो आधा नंबर दे दो, ऐसे भी नंबर मिलते हैं तो लिखो एटलीस्ट। वो आधा में हम सीख लेते हैं, तो कुछ ना कुछ लिखो, क्वेश्चंस खाली मत छोड़ो, ये ट्रिक समझ जाओगे तो पास हो जाओगे। कोई टीचर आपको एंड में फेल करना नहीं चाहती है यार, हर टीचर करा के ऐसे ही निकलते हैं। लाल बेटा वो चाय का चाय डाल लूंगा जो क्या वो पापा की चाय उबाल के छोड़ दी रेसिपी के चक्कर में? भूल गई पापा बाहर से काम कर रहा है, चाय बना दे, चाय बना भी देखी मम्मी की रेसिपी, साइड में साइड हटा के रख रखी। मम्मी की रेसिपी के सामने पापा की चाय हटा के रखी हुई है यार। कमाक्षी बहुत गलत किया तुमने मेरे बाप के साथ यार, मेरे बाप को इंसाफ चाहिए, जस्टिस फॉर डैड नीचे लिखना हैशटैग। तेरे को बताएंगे अभी कंप्लेन करके आए हम, FIR करा के आ गए। चल जा जब तक तेरे को मारता नहीं हूँ ना। तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया कमाक्षी, तेरे को मंत्रा कूपन दिया मैंने 3,500 का, 3,000 में 500 तेरा फायदा कराया मैंने। हाँ तेरा भी और शाही का भी, दोनों को दिया मैंने कूपन। और अच्छा पांच मिंत्रा का कूपन 500 रुपए का दिया यार, एक इतना बड़ा कूपन होता है 500 का लड़की को पूछो कि मिंत्रा का कूपन ही क्या वैल्यू होती है। अब देखो मायशु एक नई चीज सिखाई मैंने, जल्दी पास आओ, पास आओ थोड़ा सा। मायशु बाल पकड़ेगा, बाल पकड़ ले, कितना खुश होगी आज बाल पकड़ पकड़ेगा पापा के बाल, जल्दी पकड़ जल्दी पकड़, ऊपर आ जाओ पिद्दी, घोड़े बाल पकड़ लो, बाल पकड़ लो। मेरे देखो क्या हालत कर दी है मेरी घोड़ा। मायशु ये पापा की आपने क्या हालत कर दी, पापा की क्या हालत कर दी, देखो क्या हालत कर दी मेरी, देख लो अति सुंदर, अति सुंदर ना मम्मी। आज मम्मी हमारी कैमरामैन बनी हुई है, आज मम्मी से मिलवाते हैं। मम्मी कैसे हो? अच्छा लिपस्टिक रह गई, लिपस्टिक लगा आती हो अभी तुरंत है, सोने का टाइम है। मायशु कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा अबे गंजे, कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, कहाँ जाएगा, गिर गया, कहाँ जाएगा मायशु? देख रही है अपने खुद को, देख रही है अपने आपको शीशे में देख रही है। मायशु कहाँ जाएगा? जिप्पी जिप्पी भी डांस कैसे? अच्छा अब जा रहे ले, बोल रहे जिप्पी अब चलाना पड़ेगा जिप्पी। मायशु गंदी बात, इसको नीचे करो। हाँ अब डांस करो जिप्पी, अच्छा हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, रो के दिखाओ, ए लो दादी जिप्पी चला दो, मायशु मायशु रो के दिखा दो, मार दो मायशु, आंख मार दो। मायशु गाय गाय कहाँ है गाय? अंदर नहीं है बाहर है, अच्छा बंदल
महेशु कहाँ जाएगा? बाल जाओ, बाल लेके जाओ। मोट कहाँ है? ये लो मोट, ये लो मोट, ये लो मोट, ये लो मोट, दे दो दादी को, दे दो चलाने के लिए। दादी क्या है, क्या चला दो? अलेक्सा यूट्यूब पर कार्टून चला दे। मम्मी भी एडवांस हो गई पूरी, देख रहे हो, मम्मी बिल्कुल एडवांस हो गई है। अलेक्सा सारे काम, अलेक्सा थोड़े दिन में सारे काम, रसोई में खाना वाना सब अलेक्सा करने लगेगी मुझे लगता है। और बाहर तो ऐसे आ भी चुके हैं गैजेट स्मार्ट होम में, क्या बात है। चल गया देखो कार्टून चल। क्या बंदर, बंदर का आवाज कर रहा है? कौन है माशू, क्या देख रहे हो? बंदर कौन सा चलाना? ये देखो बंदर, ये रहा बंदर, ये रहा इतना पाला बंदर, इतना पाला बंदर। आज अलग ही खुश लग रहे हो, कंप्लेन जो हो गई है रजिस्टर्ड, बहुत खुश आज। आपने मम्मी को बताया? मम्मी को बताया नहीं। क्या हुआ था? वही जो उल्टा सीधा, जो वो एक मैसेज और यूट्यूब वगैरह कमेंट करता है, बोलती है, बोलती है क्योंकि उसकी ऑडियो में मैसेजेस दिए हैं, तो उसकी FIR लॉज हो गई है, FIR करवा दी है। अब उसे ढूंढ के निकाल लेंगे उसका। अब बचने का नहीं, अब डिलीट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अब डिलीट करने से कुछ नहीं होता, अब डिलीट करने की जरूरत नहीं है। सही कह रही है, अब बचेगा नहीं, अब फेस टू फेस बात करेंगे, ठीक है? बहुत हो गया आंख में चोली का खेल, फेक आईडी बना बना के सामने बोल नहीं पाते हैं। अब सामने देखें क्या बोलती है मैडम। मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त सरप्राइज आप ही के लिए सिर्फ। हाँ कल सुबह 4 बजे मैं निकल रहा हूँ घूमने, इससे ज्यादा क्या बता दिया। अरे यार सरप्राइज खराब कर दिया, क्या करे, मम्मी इतने दिन से टाल रहा था। ये जो प्लान है ना मेरे राइड का, ये मेरा 2 महीने से टल रहा था, पर अब फाइनली जाके शादी ब्याह सब कुछ हो गया। बस अब जो फहीम रुखसार का हमारा डिनर का प्लान है वो भी हमने डिले कर दिया था कि वो अब 25 के बाद आएंगे, पर कल कल दो नए कपल हमारे घर पे डिनर पे आ रहे हैं, जिसके आपने ब्लॉग देखे हैं और वो आपको शायद चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो कल दो नए कपल गांव से आ रहे हैं, अब तो कितने आएंगे पता नहीं, अब कितने 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 कपल्स आने वाले डिनर पे, नए नए कपल्स है। अच्छा लगता है जब नए नए कपल्स आते हैं, पूछते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, हैं? तो उसका व्लॉग आपको शायद चैनल पर देखने मिलेगा। आई एम सॉरी, मैंने उसको पहले ही भाई को फोन कर दिया था कि भाई मैं आ नहीं पाऊंगा, ठीक है माइशु, कल आप अच्छे से अटेंड करना पापा के ब्याह पे। कैसे करोगे अटेंड? फाइनली आई एम गोइंग ऑन आउटस्टेशन राइड, उसका आपको व्लॉग मेरे बाइकिंग से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी व्लॉग चाहिए वो मेरा मासॉन भूसा पे आपको देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर मासॉन भूसा आप सर्च कर सकते हो। अलग से उसका इंस्टाग्राम भी, जिसमें अलग से रील्स डालता हूँ अपनी बाइक की, अगर आपको बाइक पसंद है तो आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल्दो आपके मतलब का चैनल नहीं है सर, ठीक है? मैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो फिर भी कर दो, चलो नहीं मैं एज ए फोर्स नहीं करता।